हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रू ट्रेडर HR। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आज मार्केट ने वर्क किया, तो वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि कैसे मार्केट ने काम किया आज। ये मैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर आता हूँ और चार्ट पर हम ओपन करेंगे। सबसे पहले मतलब क्या करते हैं, 30 मिनट का चार्ट लेते हैं क्योंकि लेवल्स मेन होते हैं ना, तो इसलिए हम लेवल्स निकालते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो सबसे पहले मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ और उसके बाद ये हम यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करते हैं और उसके बाद एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे हम। तो देखते हैं, ये हमने एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में वर्क कैसे हुआ आज। 5 मिनट का चार्ट करते हैं हम, उस पर देखेंगे मार्केट आज साइडवेज रहा था, पर हमने फिर भी एक पुट साइड हमने एक ट्रेड बनाया था मॉर्निंग में। ये जो स्पोर्ट है यहाँ तक हमारा टारगेट था और असल वो अपना जो लो बनाया था उसने रेड, वहाँ तक मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस है उसके थोड़ा ऊपर हमने अपना रेजिस्टेंस रखा हुआ था। इस प्रकार हमने ये ट्रेड यहाँ पे बनाया था और आज मार्केट साइडवेज था इसलिए कोई और सेटअप हमें इसमें नहीं मिला। तो आज ये हमारा फर्स्ट ट्रेड ही हुआ था, इस पर PSY लेवल था और प्रीवियस में एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, तो चांस था कि इस बार भी मार्केट यहाँ से नीचे आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पुट साइड एंट्री बनाया था। अब कल मार्केट क्या कर सकता है, अगर मार्केट कल भी इस रेंज में रहा तो साइडवेज हो सकता है, और अगर मार्केट गैप अप देता है और इसके ऊपर चला जाता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांस है। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऊपर चलता है तो ऊपर जाने के चांस मार्केट में हाई है, और अगर मार्केट में ये गैप डाउन होता है तो चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है और भी, और फिर उसके बाद 1-2 बजे के बाद वापस ऊपर आएगा। इस प्रकार ये बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन है कल की। अब हम निफ्टी की प्रेडिक्शन करते हैं कि अब निफ्टी में ट्रेड कैसे हुआ ये भी करते हैं। पहले निफ्टी की प्रेडिक्शन करूँगा कि कल क्या हो सकता है। ये लेवल्स हमने 30 मिनट पर लगाए हुए थे पहले से ही और ये कल मतलब कल जो हमने एनालिसिस की थी उस बेस के लेवल थे और वहीं पर आज मार्केट ने काम किया, वहीं पर मार्केट ने आज काम किया। देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस इसके नीचे गैप एरिया वाला, और यहाँ से ऐसे मार्केट काम कर सकती है। अब कल मार्केट यहाँ से थोड़ा अगर इस बीच में रहा तो साइडवेज हो सकता है, अगर बीच में रहा मार्केट तो यहाँ पर फिर साइडवेज होगा, और अगर इसके नीचे आता है तो ये जो इस नीचे स्पॉट है यहाँ से ऊपर मार्केट आ सकता है। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके यहाँ तक मार्केट आ सकता है और वापस दोबारा से ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट में गैप अप हुआ तो जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर आएगा मार्केट, वहाँ से आके नीचे भी जा सकता है मतलब नीचे आ सकता है मार्केट। और अब हम डिस्कशन करेंगे कि आज मार्केट में हमने निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड लिया। आज हम निफ्टी में 2 ट्रेड लिए, हमने सबसे पहले फीवो यूज़ किया और प्रीवियस में रेजिस्टेंस है इसलिए हमने यहाँ पे एक फीवो यूज़ करके एक लेवल निकाला, और यहीं पर हमने जो ग्रीन कैंडल है उस पर हमने यहाँ पे पुट साइड की एक एंट्री बनाई थी, और ये जो स्पॉट था यहाँ तक हमने इसका ट्रेड रखा हुआ था। जो ये फर्स्ट ट्रेड हमने बनाई थी यहाँ तक हमने इसका टारगेट रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रीवियस में रेजिस्टेंस था और एक फीवो लेवल था, तो इस प्रकार 2 कन्फर्मेशन के कारण हमने यहाँ पे एक पुट साइड ट्रेड बनाया था, और एक हमारा लास्ट में बना था इसमें कॉल साइड। कॉल साइड में हमने W या फिर डबल बॉटम को जिसे बोलते हैं हम वहाँ पर वो समझ के मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, छोटा सा ऐसा लपना था, और टारगेट कहाँ तक था जहाँ ये जहाँ से मार्केट गिरा था यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक ट्रेड बनाया था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कुछ वर्क किया था आज के दिन, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था तो ज़्यादा कुछ इसमें हो नहीं पाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रू ट्रेडर HR, थैंक यू सो मच।